नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन जिला मुख्यालय पर नामांकन केंद्र पर पहुंचकर मेयर पद के लिए 7 लोगों ने पर्चे खरीदे। वहीं पहले दिन पार्षद पद के लिए भी कई लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे। मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 17 अप्रैल तक चलेगी। 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र खरीद कर जमा किए जा सकते हैं। उसके बाद नामांकन पत्रों की जाँच होगी और फिर चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा। 4 मई को मतदान होगा। मुरादाबाद जनपद में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है। मतदान को निष्पक्षता और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी मुरादाबाद जनपद में शुरू हो चुकी है। मेयर पद के लिए एडीएम न्यायालय में और पार्षद पदों के लिए कलेक्ट्रेट स्थित मुशायरा ग्राउंड में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। आज से 17 अप्रैल तक प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। आज पहले दिन मेयर पद के लिए लगभग 7 लोगों ने पर्चे खरीदे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार नामांकन केंद्रों के साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज से 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज जो है मेयर पद हेतु, मुरादाबाद के मेयर पद हेतु केवल 7 अभ्यर्थियों ने यहाँ से पर्चा खरीदा है। अभी किसी ने दाखिल नहीं किया है और 3 से ज्यादा बच चुके हैं और टोटल बिक्री जो है आज 7 हुई है। सर, जो प्रक्रिया की गई है सभासद के लिए और मेयर के लिए, कहाँ कहाँ ये प्रक्रिया है, क्या है? देखिए, मेयर पद के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय में कलेक्ट्रेट में प्रक्रिया है और पार्षदों की जो पूरी नामांकन प्रक्रिया है वो मुशायरा ग्राउंड कलेक्ट्रेट में चल रही है।